मैं और सऊद आ गए हैं नर्सरी बर्गर वाले के पास। रश लग रहा है, छुट्टी वाला दिन है, लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए हैं, फैमिली भी बैठी हुई है। आए दिखाते हैं इनके पास क्या है। वाह वाह, चीज़ चपली। चपली है सर, शामी है, चिकन चपली है। सबसे ज़्यादा रनिंग कौन सा आपका? चपली और शामी सर। अच्छा, कितने का होता है सर? चपली 120 का सर, शामी गारंटी वाला 100 रुपये का। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या होता है आपके पास? और चिकन बर्गर है, सिंगर है सर, बीफ बर्गर है, रोल वगैरह है सर। भैया ऐसा कर रहे हैं कि हम दोनों बर्गर मंगवा रहे हैं, आगे देखते हैं कौन सा। ये कह रहे हैं कि चपली ज़्यादा होता है, तो उन्होंने कहा कि दाल वाला भी खाते हैं। तब दोनों खाएंगे, फिर दोनों का बताएंगे कौन सा। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इससे भी ज़्यादा लगता है। इससे भी ज़्यादा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगता है? बस 20 मिनट लग गया। 25 मिनट लग गया। चीज़ वाले कितने? खुशबू तो अच्छी आ रही है। जो चपली कबाब होता है ना, जो रोटियों से खाया आज से पहले, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है। एक अलग टेस्ट है, मतलब बर्गर के अंदर अमूमन इस तरह का टेस्ट मैंने कभी खाया नहीं। तो 10 में से 10। ये है दाल वाला। हाँ भाई, देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है? देखने में तो वाला अच्छा लग रहा है, बाकी खा के पता लगेगा। शामी दाल अंडे वाले बने कबाब है, बीफ चपली के, चिकन चपली के, आलू के, इसके अलावा जिंगर बर्गर है। अच्छा, चिकन बर्गर है, बीफ बर्गर है। लेकिन यहाँ जब से मैं खड़ा हूँ, मैंने ये देखा अभी तक कोई जिंगर बर्गर या दूसरा कोई बर्गर का तो ऑर्डर नहीं आया, यही आ रहा है। हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा, स्पेशलिटी क्या है आपके पास? सबसे ज़्यादा कौन सा बर्गर अच्छा होता है? हमारा जो स्पेशलिटी है, जो पुराना बन कबाब फेमस बन कबाब है यहाँ का, वो दाल अंडा शामी, ये जो अंडे वाला बन कबाब है, इसके अलावा चटनी का बन कबाब है। अच्छा माशाल्लाह। विद चीज़ भी लोग खाते हैं, विद चीज़ बड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है। अच्छा जबरदस्त। विद चीज़ कितने का है, विदाउट चीज़ कितने का है? देखिए सर, 30 रुपये अलग चीज़ के होते हैं। सही है, जबरदस्त। मतलब चीज़ वाला ज़्यादा अच्छा है। जी जी, चीज़ वाला है, इसमें एक्स्ट्रा अंडा भी लगता है। अच्छा, अच्छा। आपकी टाइमिंग क्या है? हमारी सर सुबह हम लोग 11 बजे खोलते हैं, रात को 12 बजे। कितने टाइम से ये जगह मौजूद है? ये सर 1973 से। 1973 है, क्या बात। छुट्टी कर देना तो बाहर लगी है, वैसे हमारे पास ऊपर हॉल भी है। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। फैमिली हॉल है, ऊपर आराम से लोग बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया है। तो इसके अलावा दिन को दफ्तर टाइम होता है, लंच टाइम तो ऊपर ही होता है। अच्छा जबरदस्त। आज तो ये है कि मार्केट, हां छुट्टी का दिन है, इसलिए आपने लोगों को बाहर बिठाया। फैमिलीज वगैरह आती है। चपली के बाद अब बारी है कबाब वाला, दाल और कबाब का, जो है उसको खा के बताता। चीज चपली, चटनी कैसी है? चटनी, हाँ चटनी भी अच्छी, और केचप समझ लीजिए जैसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो। और मौसम कैसा है? मौसम की तो बात ही अलग है। क्या बात है, मौसम सुभान अल्लाह जी। चपली है और मेरा अंडे वाला है। अंडे वाला आपने? क्वालिटी जो है इसकी, चटनी है वो बेस्ट है। चटनी बेस्ट है। आलू वाला कितने का भाई? 80 रुपये। 80 रुपये का। 370 रुपये में एक अंडे वाला, दाल वाला फारिक बर्गर, और एक चपली वाला, और 2 स्प्रिंग। दो बर्गर के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है बर्गर ना, इस हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन खैर अच्छा, अगर खाते हैं तो थोड़े से पैसे दे सकते हैं। है अच्छा, आगे आप खाइएगा, टेस्ट करिएगा, चपली वाला खाइएगा, अच्छा है, मज़े का। इनका फैमिली हॉल है, सिटिंग एरिया है। फिलहाल छुट्टी का दिन है, इसलिए लोग बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये वाला पारिक है, ये बिल्कुल नहीं। आपने चपली वाला टेस्ट करा? मैं पहले खा चुका हूँ, वो अच्छा है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आप अपनी अपनी पसंद है? कितना टाइम हो गया इसको? सर अल्हम्दुलिल्लाह 1977 का सर। अच्छा माशाल्लाह, इतने पुराने हैं। जी सर। आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट क्या है? आज छुट्टी का दिन है तो लोग यहाँ बैठे हैं। जी सर। इसके अलावा आप लोग कहाँ बैठा? ऊपर जगह है सर। ऊपर है जगह। कैसा है बर्गर? पहली दफ़ा खा रहे हैं? आते रहते हैं। कौन सा बर्गर खा रहे हैं? चपली है या कबाब वाला? अच्छा अच्छा है बर्गर, मज़े का है। आपको कैसा लग रहा है भाई? आते रहते हैं, खाते रहते हैं, मतलब लोगों को आना चाहिए, खाना चाहिए। अगर ट्राई करें तो चपली वाला करिएगा, ये मत खाइएगा, पारी का। ये आप खाएं, आपको पसंद आया ना।